तो कई बार ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम रील्स के अंदर कोई भी वीडियो बनाते हैं परंतु आप उस वीडियो को उस समय पोस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है सेव ड्राफ्ट, मतलब आप उस वीडियो को ड्राफ्ट के अंदर सेव कर सकते हैं जिससे कि उस वीडियो को कोई नहीं देख सकता। तो आप जब भी उस वीडियो को ड्राफ्ट के अंदर सेव करते हैं तो वीडियो वो आपको कहाँ पर मिलता है ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद तो ये जो प्रोफाइल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको रील्स के अंदर जाना है और रील्स के अंदर यहाँ पे आपने जो भी वीडियो ड्राफ्ट के अंदर सेव किया है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपने जो जो वीडियो ड्राफ्ट के अंदर सेव किए वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिर यदि आप दोबारा उसको पोस्ट करना चाहते तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप दोबारा उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रील्स वीडियो जो भी आपने ड्राफ्ट के अंदर सेव किया उसको देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।